मेन स्केल, ये स्केल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल है, जैसे कि 0 मार्क, फिर 1 सेंटीमीटर मार्क, 2 सेंटीमीटर मार्क, 3 सेंटीमीटर मार्क, और ये 12 सेंटीमीटर्स तक है। और देखिए कि 2 स्टैंडर्ड मार्क्स के बीच में, 2 और 3 सेंटीमीटर में कितने डिविजन्स हैं? 10 डिविजन्स। 3 और 4 सेंटीमीटर में भी 10 डिविजन्स, 1 और 2 सेंटीमीटर में भी 10 डिविजन्स। तो डिस्टेंस कितना है 2 स्टैंडर्ड मार्क्स में? 1 सेंटीमीटर। 3 माइनस 2 1 सेंटीमीटर, या 4 माइनस 3 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डिविजन्स। लिख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्मॉल डिविजन्स। यहां से 1 स्मॉल डिविजन इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर्स, और ये आ गया डेसिमल 0.1 सेंटीमीटर। ये होती है लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल कितनी आई? 0.1 सेंटीमीटर, या 1/10 सेंटीमीटर। और यही होती है आपके ज्योमेट्री बॉक्स स्केल की भी लीस्ट काउंट। चलिए आगे चलते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है? वर्नियर कांस्टेंट। दोबारा देखिए इसी वर्नियर कैलिपर को, मॉडल को दोबारा से देखिए। ये हुआ मेन स्केल। अब इसके ऊपर एक और स्केल भी है जो इसके ऊपर मूव करता है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें 2 स्केल्स हैं, ये मेन स्केल, और दूसरा स्केल जो इसके ऊपर मूव करता है उसको कहते हैं वर्नियर स्केल। और ये जो वर्नियर स्केल है, ध्यान से देखिए, ये है वर्नियर स्केल, और इस वर्नियर स्केल में 0 से लेकर के ये 10 डिविजन्स तक हैं। जॉस को अगर क्लोज कर दें तो देखिए कि ये 10 डिविजन्स, इधर देखिए 0 मार्क वर्नियर स्केल का कंसाइड कर रहा है, 0 मार्क ऑफ मेन स्केल, और 10th डिविजन देखिए वर्नियर स्केल की, ये कंसाइड कर रही है विद 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। ध्यान से देखिए, 10 वर्नियर डिविजन्स कोइंसाइड विद 9 मेन स्केल डिविजन्स। चलिए लिख लेते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 10 वर्नियर डिविजन्स इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन्स, या हम क्या लिख सकते हैं, 1 वर्नियर डिविजन इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिविजन्स। वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है? वर्नियर कांस्टेंट होता है डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिविजन एंड 1 वर्नियर डिविजन। वर्नियर कांस्टेंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिविजन माइनस 1 वर्नियर डिविजन। 1 मेन स्केल डिविजन और यहां 1 वर्नियर डिविजन के लिए हम लिख लेते हैं 9/10 मेन स्केल डिविजन। वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 9/10, मेन स्केल डिविजन को बाहर लिख लेते हैं, 1 माइनस 9/10, 1/10 इंटू 1 मेन स्केल डिविजन। वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/10 इंटू 1 मेन स्केल डिविजन, यानी लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल की एक डिविजन कितने के बराबर है? 1/10 सेंटीमीटर्स। तो ये कितना हो गया? 1/100 सेंटीमीटर्स, और 0.01 सेंटीमीटर। यानी कि वर्नियर कैलिपर जो है
वो सेकेंड डेसिमल प्लेस तक रीड करेगा, जबकि आपका जो मैट्रीबॉक्स स्केल फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक रीड कर सकता है। तो वर्नियर कैलिपर इज मोर एक्यूरेट।